ये कैसे होगा सर? कंफर्टेबल है? दुर्गावती नाम है आपका, थोड़ा परिचय देंगे अपने बारे में? सर मेरा नाम दुर्गावती कुजूर है, मैं बिलासपुर ज़िले के रतनपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनपुर से पूरा किया है। उसके बाद फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर से कंप्यूटर साइंस विषय में पूरा किया और मेरी हॉबी कुकिंग है। अच्छा, आपने बिलासा कॉलेज से पढ़ाई की है, तो ये तो ऑटोनॉमस कॉलेज है जी। अच्छा, पर विश्वविद्यालय? अटल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है सर। अच्छा जी, पर ये ऑटोनॉमस कॉलेज तो फिर इसकी इसका जो एग्जाम होता है वो अलग से होता है? अटल विश्वविद्यालय तो इसका एग्जाम पेपर सेट नहीं करता जी सर। तो फिर कैसे आपने लिखा है इसके अंदर? सर ये अटल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और ऑटोनॉमस भी है। ऑटोनॉमस मतलब ये अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो खुद से ही कंडक्ट कराते हैं और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सेल्फ निर्णय लेके ही कराते हैं सर। ठीक, मैं आपसे ऑटोनॉमस का मतलब ही पूछना चाह रहा हूँ। चलिए, कुकिंग में आपकी अभिरुचि क्या क्या बनाती हैं आप? सर छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ साथ मैं डेली जो दाल चावल सब्जी। छत्तीसगढ़ी व्यंजन मतलब कौन कौन से व्यंजन? चीला, फरा। चीला हफ्ते में एक बार चीला बना लेती हैं? चलिए, फरा जी। मोटी रोटी बोलते हैं जिसको? सर फरा और मोटी रोटी अलग है। हाँ, तो एक मोटी रोटी जो बोलते हैं वो बनाती हैं? ना सर, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना पत्ते में बनती है जो, नाम पता है आपको? अंगाकर रोटी सर। हाँ अंगाकर रोटी, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कैसे बनती है? सर चावल आटे से बनाई जाती है अंगाकर रोटी। बनाने की प्रोसेस बताइए जी। चूल्हे में बनाती हैं कि लकड़ी वाले में बनाती हैं कि गैस पे बनाती हैं? सर चूल्हे में बनाते हैं, लकड़ी वाले में। इसमें सरई पत्ता, एकदम शुरू से बताएंगे जी सर। चावल आटा का डो बनाते हैं पानी के साथ उसको मिला के, फिर पानी के साथ मिलाने के बाद जो डो बनता है उसको साल पत्ता या फिर परसा पत्ता में उसके ऊपर फैला लिया जाता है। फिर उसके ऊपर भी एक पत्ता से मतलब दोनों साइड से उसको ढक देंगे पत्ते से, फिर छेना जला के या फिर लकड़ी का आग जला के जो अंगारा रहेगा उसके ऊपर उस पत्ती और आटे को रख कर उसके ऊपर फिर से छेना और अंगारे को रख कर उसको पकाया जाता है। और ऐसे ही खाएंगे, चटनी वटनी पीसेंगे? सर चटनी के साथ। चटनी के साथ, चलिए। आप प्रशासनिक सेवा में कैसे आना चाहती है? आपको कंप्यूटर साइंस में बीएससी है, 2018 में आपने ग्रेजुएशन की है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? बीएससी कंप्यूटर साइंस। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये सर थर्ड अटेम्प्ट है। इंटरव्यू पहले आपने दिया एक आध बार? जी सर, पिछले साल का दिया था सर। तो कैसा रहा था? ठीक था सर। कितने नंबर आए थे इंटरव्यू में आपके? 65। ये तो नंबर कम है, कैसे कम रहेगा, क्या बात होगी? प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से नहीं था। इस बार आपने उस पर काम किया है प्रेजेंटेशन पर। चलिए बताइए, आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहती हैं? सर प्रशासनिक अधिकारी का जो पद है वो मुझे लगता है कि वो सम्मानजनक है और एक प्रतिष्ठित पद है। मैं सम्मानजनक पद में रहते हुए अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जिन तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है उनके विकास के लिए मैं सहयोग करना चाहती हूँ। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या भरी है? सर फर्स्ट नंबर पे डिप्टी कलेक्टर, फिर फूड ऑफिसर, उसके बाद फिर CTO, फिर श्रम। तो फूड ऑफिसर आपने सेकंड प्रेफरेंस भरा है, कुकिंग से कुछ रिलेटेड है क्या ये? आपका जो इंटरेस्ट है फूड की तरफ उससे रिलेटेड है, क्यों आपने इस पोस्ट को सेकंड नंबर पे रखा है? सर मेरी हॉबी कुकिंग है और मैं फूड के बारे में अगर उसमें कुछ भी मिलावट है या फिर क्या काम होता है फूड ऑफिसर का बताएंगे? सर फूड ऑफिसर खाने से रिलेटेड जो भी पदार्थ है
उसकी शुद्धता की जांच करना, और अगर उसमें कुछ मिलावट है तो उससे रिलेटेड जांच करने के लिए। रतनपुर के बारे में आपने, रतनपुर के किले के बारे में बताइए, गए हमने वहाँ पर, रतनपुर का किला बताइए कैसा है रतनपुर का किला। सर, रतनपुर में जो किला है उसको गज किला के नाम से जाना जाता है। इसको कलचुरी शासक जो पृथ्वीदेव द्वितीय थे उन्होंने निर्माण कराया था। ये प्राकृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न महल बनाए गए हैं जहाँ पहले राजा रहते थे, और एक मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, और यहाँ एक रावण की एक ऐसी मूर्ति है जो अपना गर्दन काटकर शिव जी को अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर दशावतार से संबंधित कुछ अंकन है क्या? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। जानकारी है ना। रतनपुर को हम लोग तालाबों का शहर कहते हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है तालाबों का वहाँ? सर, तालाब अभी भी वहाँ अस्तित्व में है और पहले से बेहतर स्थिति में है। यहाँ बहुत सारे तालाब हैं, जैसे कल्पेसरा तालाब है, बिकमा तालाब है, बहरैया तालाब है, और कृष्णार्जुनी तालाब है। अभी भी यहाँ तालाबों का अस्तित्व। किसी एक तालाब का निर्माण किसी एक कलचुरी शासक ने करवाया था, आप शासक का भी नाम बताइए और उस तालाब का भी नाम बताइए। सर, बहरैया तालाब को बहरेंद्र साय ने बनवाया था। आप उराव जनजाति से संबंधित हैं, उराव जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण छत्तीसगढ़ के किन जिलों में? सर, इनका संकेंद्रण मुख्यतः छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में जसपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिले में है। सर, इनमें प्रमुख रूप से जो त्योहार है उन त्योहारों के बारे में बताएं। उराव जनजाति मुख्यतः सरहुल त्योहार और कर्मा त्योहार मनाती है। कैसे, कर्मा त्योहार क्या है वो बताएं। कर्मा त्यौहार भादो के माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें सभी युवक युवतियां एक कर्म के वृक्ष की डाल को बीच में लगाकर उसके चारों ओर नृत्य करते हैं, और कर्म की जीवन में प्रधानता के लिए ही वो लोग नृत्य करते हैं। जनजातियों में टोटम, इसका एक बहुत महत्व है, क्या होता है टोटम? टोटम आपने सुना है ना? जी सर। वो टोटम क्या है? सर, टोटम एक गण चिन्ह है जिससे वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं। वो चाहे पर्वत हो, पठार हो, नदी हो या वृक्ष हो, उनको वो अपना टोटम मानते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में हाइड्रो पावर स्टेशन की क्या स्थिति है? यहाँ छत्तीसगढ़ में आप कुछ प्रमुख हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में बताइए, और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ छत्तीसगढ़ में? जल विद्युत केंद्र की बात करूँ मैं। जी सर। सर, तांदुला परियोजना 1913 से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद फिर रुद्री पिकअपवियर, पैरिसी कासार जल विद्युत केंद्र, महानदी कॉम्प्लेक्स में तांदुला परियोजना, गोंदली परियोजना। जल विद्युत की बात कर रहा हूँ, आप परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं। वह स्थान जहाँ पर पावर जनरेट किया जा रहा है, अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ पर पावर जनरेट किया जा रहा है हाइड्रो पावर? हसदोबांगो डैम में जी, और प्रमुख रूप से हसदोबांगो आया था आपको। छत्तीसगढ़ में कुछ आप केंद्रीय स्तर के विद्युत संस्थान का नाम, विद्युत जो पावर जनरेशन एरियाज है उसके बारे में बताइएगा, जैसे एनटीपीसी। छत्तीसगढ़ में किन किन स्थानों में एनटीपीसी है? जी सर। सर, बिलासपुर के सीपत में एनटीपीसी है, और कोरबा एनटीपीसी, रायगढ़ के लारा में है। सर, उत्तरी छत्तीसगढ़ में कहीं पर? सॉरी सर, मेरी पर्यटन में आप छत्तीसगढ़ में किन किन जगहों पर घूमे? गरियाबंद के राजिम में, और जतमई घटारानी, बिलासपुर के लगभग सारे पर्यटन स्थल में मैंने घूमा है, और कोरबा में बुका, सतरेंगा, देवपहरी। राजिम का क्या महत्व है वहाँ पर? राजिम को कुंभ मेले का दर्जा प्राप्त था, फिर राज्य शासन ने इस दर्जे को हटा दिया, तो राजिम में कुंभ मेला होने का क्या प्रमुख कारण था? सर, जो राजिम है वो पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम स्थल पर है, और यहाँ बताइए मतलब कुंभ मेला क्यों कहते थे? कुंभ का मतलब
एक गैदरिंग जहां पर साधु संत आते हैं, जिस प्रकार इलाहाबाद में होता है। अटल यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में आप बताइए, इनके नाम से एक दिवस मनाया जाता है। सर सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को। सर दुर्गावती जी, आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस का गवर्नेंस में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? सर आजकल सभी फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल, सर अगर किसी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है तो यूज कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो भी स्कीम चला रही है उनको जनता तक पहुँचाना है तो इसका यूज किया जा सकता है, और गवर्नमेंट से जनता का डायरेक्ट कनेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सर कुछ ऐसी टेक्निकल चीज जो कंप्यूटर साइंस में आपने ऐसी सीखी हो जिसको आप प्रशासन से रिलेट कर पाए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? भारतीय संघीय व्यवस्था कितनी कारगर है और क्या राज्यों को आपके अनुसार और अधिक अधिकार देने की जरूरत है? सर जो संघीय व्यवस्था है वो राज्यों को अधिकार दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जितने अधिकार अभी राज्यों के पास है वो बिल्कुल सही है। अगर केंद्र को ऐसा लगता है कि राज्य को और भी अधिकार देने चाहिए तो मैं उनकी जो निर्णय है उनसे सहमत हूँ। सर केंद्र को तो कभी भी नहीं लगेगा कि राज्यों को अधिकार देने चाहिए, आपको क्या लगता है? आप तो छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी बनने वाले ना, आपको क्या लगता है अधिकार और देने चाहिए छत्तीसगढ़ को या किसी अन्य राज्य को? केंद्र तो कभी हाँ बोलेगा नहीं। सर मैं फिर भी केंद्र सरकार की सहमति, केंद्र सरकार से ही सहमति रखना चाहूंगी। आपने अभिरुचि में लिखा है कुकिंग, कुकिंग के अलावा कोई और हॉबी जो आप रखते हो? फिल्में देखना पसंद है आपको? फिल्में देखना पसंद नहीं। मनोरंजन के लिए और क्या करते हैं आप? खाने के बाद क्या करते हैं? मान लीजिए आपने खाना बनाना है, बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे? सर अभी तो फिलहाल जब तक मेरे पास जॉब नहीं है तब तक मैं पढ़ाई करती हूँ, और अगर कहीं कुकिंग के अलावा और कुछ करने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं आसपास की जगह में घूमना पसंद करती हूँ। सर तो आपको घूमना पसंद है, एक प्रकार से आपकी हॉबी आ ही गई। तो बिलासपुर के रतनपुर के अलावा कोई और पर्यटन स्थल बिलासपुर जिले के? बिलासपुर जिले में सर तालागांव और मल्हार। एक और कोई? स्मृति वन है एक, और एक एनर्जी पार्क। बिलासपुर की कोई ऐसी दो समस्याएं, मान लेते हैं कि आप पॉलिसी मेकर बन गए, तो ऐसी दो समस्याएं जिनको सबसे पहले देखते हैं और बदलना चाहेंगे? सर अभी जो ट्रैफिक की समस्या है तो सबसे पहले मैं वो सुधारना चाहूंगी, क्योंकि जगह जगह जो सिग्नल्स लगे गए हैं वो मुझे लगता है कि अननेसेसरी लगाए गए हैं, और उसमें जो समय है वो भी बहुत ज़्यादा है सर, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। और दूसरी जो समस्या है वो सड़क संबंधी समस्या है, क्योंकि अभी इसका निर्माण चल रहा है तो विभिन्न जगहों में सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, तो मैं उस क्षेत्र में काम करना चाहूंगी। ट्रैफिक सिग्नल हटा देंगे, इससे बजाय ये सलूशन नहीं होता कि फ्लाईओवर बनवा दें? ट्रैफिक सिग्नल हटाना सलूशन है? सर फ्लाईओवर बनाने में अभी बहुत समय लग जाएगा, और उसके लिए पहले से जो सड़क हैं उनको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य कराना है तो उनको हटाने की ज़रूरत है। तब तक के लिए कोई बाईपास सड़क भी होना चाहिए, तो इससे बेहतर यही होगा कि कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स को जो अननेसेसरी हैं उनको हटा दिए जाएं। चलिए, आपका नाम है दुर्गावती, रानी दुर्गावती जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रानी दुर्गावती की किस मुगल सम्राट से लड़ाई हुई और अंततः परिणाम क्या हुआ जरा बताएं। सर रानी दुर्गावती का मुगल शासक अकबर के साथ युद्ध हुआ था,
अकबर जो थे वो रानी के साम्राज्य को, मतलब गोंडवाना साम्राज्य को अपने शासन में मिलाना चाहते थे। उसके लिए रानी दुर्गावती से उन्होंने उनके प्रिय हाथी सफ़ेद हाथी को और उनके जो विश्वस्त वजीर आधार सिंह थे उनकी मांग की थी। रानी ने उनकी मांग को ठुकरा दिया, तो उन्होंने अपने जो रिलेटिव थे आसफ खां उनके सहयोग से रानी के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर रानी का पक्ष मजबूत था, जिसके कारण पहली बार में तो आसफ खां और अकबर युद्ध छोड़ के भाग गए। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी सेना मजबूत कर फिर से रानी के साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें रानी का पक्ष दुर्बल था, जिसके कारण रानी को कुछ तीर लगी और वो घायल हो गई। उन्होंने अपने जो वजीर थे आधार सिंह उनसे कहा कि उनके हाथों मरने से अच्छा है कि तुम ही मुझे मार दो, लेकिन उनके जो वजीर थे आधार सिंह उन्होंने मना कर दिया, तो रानी ने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर लिया। सर आत्महत्या कर ली। अकबर खुद गए थे युद्ध लड़ने, आपने कहा युद्ध से भाग गए अकबर। सर आधार सिंह को भेजा था। अच्छा, खुद नहीं गए थे लड़ने। ठीक, ओके, ठीक है। दुर्गावती, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। फीडबैक थोड़ा सा देंगे हम आपको। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप आई, आपकी एंट्री खटखटाना नहीं है, है ना, वहां पर जी। और आए तो बिना अनुमति लिए आपको बैठना नहीं। हाँ सर, ये बैठने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, तो ये पहले लगना चाहिए, और आप पहले इंटरव्यू दे भी चुकी हैं थोड़ा सा, है ना। और फूड ऑफिसर के कार्यों के बारे में जानकारी थोड़ी सी हासिल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आप सिंपली कह सकती थी कि मैं उसकी जांच करूंगी, यदि गुणवत्ता में खराबी आ जाती तो मैं उसको नोटिस प्रदान करूंगी, सस्पेंड भी कर सकते हैं, लाइसेंस भी छीन सकते हैं। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करिए, वहां से प्रश्न बनेंगे। चंद्रयान से आप समझ ही पा रही हैं, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। आप उराव जनजाति से हैं तो बीच में अभी धर्मांतरण का बड़ा इशू चला था, तो उसके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए। संविधान के प्रावधानों को पढ़ लीजिए। देखिए, जब आप पढ़ के जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। आप सॉरी तो बोल रही हैं, लेकिन सॉरी के साथ में जो थोड़ी ज्यादा स्माइल और इसको कम करना है, अच्छी बात है। यदि आप नहीं जानते तो उसको सॉरी बोलिए। जैसे रानी दुर्गावती वाला आपको अच्छे से बताता, आपने बढ़िया से बताया, जबरदस्ती आपने हॉबी नहीं बताई। कुछ कुछ चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन चीजों पर सुधार करेंगी तो जो 65 आपने बताया आपको मिले थे, तो वो 85 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। थोड़ा सा उसमें काम करना है हमको, है ना। यही पहन के जाएंगी, ठीक है, मतलब इस पे कंफर्टेबल है आप, ठीक है, अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। बस इन सब चीजों पर काम कर लीजिए थोड़ा सा, बाकी सारी चीजें ठीक है। सर बताएंगे, आई कॉन्टेक्ट आपका बहुत जा रहा था, सर का क्वेश्चन है, फिर भी आप सब तरफ जा रहे हैं, प्रयास कीजिएगा। जो पूछ रहे हैं उन्हीं को देख के बताना है या फिर प्रमुख रूप से उनको देखिए। अगर अगल बगल वाले एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ विशेष प्रकार का ऐसा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तब आप देख सकते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको देखिए। दूसरा, आप प्रश्न को सुनिए तब उत्तर दीजिए। कई बार प्रश्न को सुनने के बाद आप उसके उत्तर पे तुरंत नहीं आ पा रहे, बाद में उसका सही उत्तर आ रहा था। आप आंसर को कई बार आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, आप उत्तर दे रहे हैं फिर बाद में आके रुक जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि और कुछ बताने वाले हो, फिर हमको पूछना पड़ रहा था, और क्या होगा। सर ने क्वेश्चन पूछा था कि दुर्गावती के बारे में बताइए, और आपने पूरा उनका युद्ध के बारे में पूछा था, आपने पूरा उनका इतिहास ही बता दिया, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं दिया। तो आपको करना क्या चाहिए था, जो क्वेश्चन पूछा गया था उतना ही को बता पूछना बता आंसर देना था, वहां से दूसरा क्वेश्चन आता, आप उसका आंसर जान ही रहे थे, फिर वहां से बनता, ऐसा करके दो तीन क्वेश्चन आपके सही होते, जबकि आपका वो केवल एक ही उत्तर सही हुआ। मतलब आपको लगा कि मेरा ये कम्फर्ट जोन है, तो पूरा आपने जितना आंसर आता था पूरा बता डाला, ठीक है। तो जो प्रश्न पूछा गया, जो क्वेश्चन का डिमांड है, उतना ही आंसर दे। कभी कभी क्या होता है, ये तो आपके पाले में था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कई बार आपके पाले में नहीं रहता है, वहां से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि वो आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रश्न पूछा गया है ठीक, उतना ही उत्तर दे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, वहां पर और दिग्गज लोग रहते हैं, ठीक, वो जानबूझ के घेरने का प्रयास करेंगे, और कभी भी ऐसी स्थिति आएगी तो आप थोड़ा सा कंफर्ट रहे, हड़बड़ाना नहीं है, जानबूझ के आपको आपके कंफर्ट जोन से वो बाहर खींचने का प्रयास करेंगे साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो इस चीज को आप प्री डिटरमाइन कर लें,
जान के जाइए कि वो आपको परेशान करने वाले हैं, हमको परेशान नहीं होना है, जो भी कर लो आप परेशान कर, ऐसा सोच के जाइए, हम हैं ठंडा, हम रहेंगे आराम से कूल, ठीक है बस। अब आप फ्रेम यही वाला इस्तेमाल करने वाले हैं इंटरव्यू में, जो फ्रेम पहने है ना, ये नहीं करने वाले ना, थोड़ा सा सिंपल फ्रेम होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा शाइन भी कर रहा है। दूसरी बात, या तो लिपस्टिक ना लगाएं, और लगाएं तो लिपस्टिक सिंपल होनी चाहिए, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई पार्टी में जा रहे हैं, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तीसरी बात यह है कि जैसे जो बाल हैं आपके पूरी तरीके से पीछे होने चाहिए, या तो ये अभी इतनी देर समय के साथ बैठने से शायद ऐसा हो गया, हाँ कि कुछ आगे कुछ पीछे, बिल्कुल नहीं, सारे बाल पीछे ही होने चाहिए, है ना, फॉर्मल लुक जितना आए उतना बेहतर, ठीक। इसके अलावा जैसे सर ने बताया कि जो आता है हमको, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हमको सुनाई देता है कि जो हमको आता है, तो हम लोग उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की कोशिश करते हैं, ये बताने के लिए एग्जामिनर को कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, हम बेसिकली उसको इम्प्रेस कर रहे हैं। लेकिन उसमें कभी कभार हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिससे वो नए क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। तो जब हमको कोई चीज आती भी, जैसे मेरा प्रश्न था क्या, मेरा प्रश्न था कि रानी दुर्गावती के काल में किस मुगल सम्राट से उनकी लड़ाई हुई, आंसर था अकबर के साथ लड़ाई हुई, साल बता देते खत्म हो जाता। लेकिन आपने बहुत लंबी कहानी इसलिए बताई क्योंकि आपको आता था, लेकिन इस चीज को हमको कंट्रोल करना है, अन्यथा कुछ ऐसे शब्द, जैसे आपने नाम लिया आसफ खान, अगर चाहते तो आसफ खान पे फिर मैं डिस्कशन शुरू कर देता, या पीर मोहम्मद खान पे डिस्कशन शुरू कर देता, तो यहां से हम जो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वहीं से अगले प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना है, जो सर ने बताया भी, ठीक है, ठीक, बाकी सब बढ़िया है। बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, प्रेशर हैंडलिंग अच्छी है, ड्रेसिंग पर मैंने बता दिया काम करना है, ठीक। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।